मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड, जो इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको ये बता दूँ कि अभी तक जितने भी हमने जो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं, और आगे भी हम देखते रहेंगे जो हमारे नए एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा आज का पहला जो है एमसीक्यू, जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, ऑलरेडी पूछा गया है, तो अब देखते हैं क्या कहता है। कहता है व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन अ कंप्यूटर कैरी आउट, एक जो कंप्यूटर है वो किस तरीके का ऑपरेशन कैरी आउट कर सकता है। और ये हम जब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करी थी हमने, तो उसमें हमने अच्छे से देखा है। इसमें है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, वर्बल एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव, वर्बल एंड अर्थमेटिक। तो आप जल्दी से अपना करेक्ट आंसर जो है वो गेस कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर गेस करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन में जो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो है 22। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का कौन सा है, ये भी मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है। तो हम देखते हैं अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, ग्राफिक कार्ड है, मदरबोर्ड है। जल्दी से फ्रेंड्स, जल्दी से गेस करें आपका आंसर, और जो करेक्ट आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे है, सीपीयू। ठीक है, चलिए, जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्ले लिस्ट पर क्लिक करें, तो आपको फर्स्ट से अप टू 10-12 जितनी भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ कंप्यूटर इज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट नोन एज, अगर कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो भैया प्रोसेसर की बात हो रही है तो आंसर भी हमारा मल्टी प्रोसेसर ही होगा। ठीक है, यूनी होता है सिंगल, समझ आई। मल्टी थ्रेडेड होता है जब हम एक प्रोग्राम को फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मोर देन वन प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर इन कंप्यूटर। ये भी मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारा डेटा है वो कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है। जल्दी से गाइस गेस करें, और मैं आंसर जो है वो डिस्प्ले करने वाला हूँ। आंसर है हमारा बाइनरी। ठीक है, तो हमने देखा था जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, और बाइनरी की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और वो जो डेटा स्टोर होता है वो जीरो और वन की फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट, अलाउड लॉजिक यूनिट, असाइन लॉजिक यूनिट, ऑर्थोमेटिक लिस्ट यूनिट। ठीक है, तो आपको पता है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, हमारा आंसर है ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, विंडसर्फ, टिम बर्नेली, चार्ल्स बैबेज, स्टीव जॉब्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स बैबेज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज इट हॉट। कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को हम हॉट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, तो आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर कंसिस्ट इन द कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, तो आपको जब मैंने एक स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया था, या फिर आपके पास ब्लॉक डायग्राम है तो उससे भी आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो टोटल हमारे पास होते हैं 4 पार्ट। कौन कौन से होते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, और स्टोरेज, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। आपको प्रोग्राम का नाम बताना है
जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे जो है वो है सॉफ्टवेयर। तो इन केस अगर यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देन और कोई ऑप्शन होगा, तो आप सॉफ्टवेयर नहीं सिलेक्ट करेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, याद रखें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, हमने लास्ट ही वीडियो लेक्चर में देखा है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए गाइस। जल्दी से वीडियो पॉज करें, अपना आंसर गेस करें, और हमारा आंसर है हार्डवेयर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है? तो प्रोसेसिंग का मीनिंग जो है वो मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको एक चाय की एग्जाम्पल दी थी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो हमारा आंसर है कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। कौन सी यूनिट क्या करती है, जो डेटा यूजर से रिसीव करते हैं और उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा आंसर है इनपुट यूनिट, ठीक है। तो जब हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी तो इसमें हमने इनपुट यूनिट अच्छे से डिस्कस किया था, और जिसमें हमने बताया था, हमने सीखा था कि ये जो क्या करती है, जो जो भी यूजर डेटा एंटर करेगा उसे कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है जिससे यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है यूजर के लिए, वो कौन करता है? कंट्रोलिंग, हमारे पास कंट्रोलिंग है, आउटपुटिंग है, प्रोसेसिंग है, इनपुटिंग है। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से गेस की करें, और मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ आंसर, वो है आउटपुटिंग, ठीक है। आउटपुट जो होता है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है यूजर के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जब एक सिस्टम प्रोग्राम चल रहा होता है तो कौन सी स्टोरेज जो है वो उसको कॉन्टेन करके रखती है इंस्ट्रक्शंस को? तो आपका आंसर है प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। करेक्ट आंसर इज प्राइमरी स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज। और ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि कौन कौन सी नॉन वॉलाटाइल हैं। आप मुझे बताएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैकअप, कैशे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ये परमानेंट होती है, हमने अच्छे से सीखा है। चलिए नेक्स्ट, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ। डेटा को सेव करना, इंस्ट्रक्शन को सेव करना ताकि वो हर टाइम पे अवेलेबल रहें जॉब के लिए, तो वो किसका काम है? वो काम है हमारी स्टोरेज यूनिट का, ठीक है, जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, जब हमारा मन करेगा हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस, ठीक है। आपको सिंपल बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये कहता है कि ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो प्लेस है जहाँ एक्चुअल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस की टेक प्लेस होती है, मतलब एग्जीक्यूशन होती है। तो वो बताएं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए आपने गेस कर लिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो गाइज हमारे पास है डेलीजेंस, ठीक है, एक्यूरेसी, IQ, वर्सटिलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है IQ,
क्योंकि कंप्यूटर जो है उसको आईक्यू नहीं होता, वो इमोशनलेस होता है और कोई अपने से डिसीजन नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा का कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर में जो स्टोर होता है, तो वो क्या है, बाइट है, निबल है, बिट है, केबी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास बिट होता है, और बिट क्या करता है, या तो जीरो स्टोर करेगा डेटाबेस में या फिर वन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से बाइट है, तो बाइट क्या निबल है, निबल क्या करता है, ये फोर कम्बिनेशन होते हैं जीरो वन के, ठीक है, कोई भी। इसी तरीके से हमारे पास बाइट है, तो जो एक बाइट है वो 8 बिट का होता है, ये 4 बिट का होता है निबल, निबल 4 बिट का होता है, बाइट 8 बिट का होता है, ठीक है। जो 1 KB है ये 1024 बाइट का होगा, समझे। तो ये बिट है जीरो, तो अब देखो इसमें 4 बिट लग रही है, ये इसमें 8 लग रही है, तो इसमें 1024 लग रही है, तो इसमें या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। तो सबसे कम किस में बिट लग रही है, साइज लग रहा है ये 01। चलिए, द आउटपुट यूनिट कवर्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है जो आउटपुट यूनिट है वो जो डेटा आप यूजर से एंटर करवाते हैं या यूजर एंटर करता है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। तो ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आंसर जो है हमारा फॉल्स है, क्योंकि आउटपुट यूनिट जो है वो कंप्यूटर के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो किसके लिए काम करता है, यूजर के लिए, तो यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये डेटा डिस्प्ले करेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज विच स्टोर आर रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ। तो ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो अगर डेटा पावर ऑफ भी हो जाती है तो डेटा उसमें रहता है, सेव रहता है, और कभी भी हम ओपन कर सकते हैं, तो दैट इज अवर नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज लॉस्ट। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो उस अपना कंटेंट लॉस कर देती है जब पावर चली जाती है, ठीक है। चलो फर्स्ट, रैंडम, वोलाटाइल, स्टैटिक, नॉन वोलाटाइल, गाइस आपने गेस कर लिया होगा, तो चलिए आंसर देखते हैं। और हमारा आंसर है वोलाटाइल। वोलाटाइल हमने बोला था कि वो मेमोरी होती है जो जैसे ही पावर ऑफ हो जाती है तो उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मेमोरी इज अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी किस पे अप्लाई होती है, लॉजिक, स्टोरेज, कंट्रोल, मतलब मेमोरी किसको बोलेंगे हम, लॉजिक को बोलेंगे, स्टोरेज को बोलेंगे, कंट्रोल को बोलेंगे, या किसी को नहीं। गाइज आपने गैस कर लिया होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज बोलें या फिर मेमोरी बोलें, बोथ आर सेम। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वो है, द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्टराइज्ड बाय लो कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड, ठीक है। जो सबसे कम कॉस्ट लगती है जिस पे, वो इनमें से कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, या फिर सारी की सारी है। तो गाइज आपने गेस कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आंसर देखते हैं, और हमारा आंसर है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारी सबसे लो कॉस्ट में आती है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस सेकेंडरी में हो सकती हैं, मैग्नेटिक टेप हो सकती है।